उधर 10 दिन से पशु चिकित्सकों का अनशन लगातार जारी है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, आज अनशन के दौरान छठे चिकित्सक की भी तबीयत बिगड़ गई। अनशन पर बैठे डॉक्टर सुनील शर्मा की तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर सुनील शर्मा को SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पशु निदेशालय के बाहर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और लगातार जो है जो चिकित्सक बैठे हुए हैं अनशन पर, उनकी तबीयत एक के बाद एक बिगड़ रही है। छठे चिकित्सक की भी आज तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर सुनील शर्मा की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पशु निदेशालय के बाहर ये लोग धरना दे रहे हैं। आशीष चौहान हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, छठे डॉक्टर की भी अब तबीयत बिगड़ी है, क्या कुछ अब आगे आंदोलन को लेकर रूपरेखा और क्या कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल नहीं, बीच का रास्ता कोई नहीं निकल पा रहा। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। अभी 10 दिन से पशु चिकित्सकों का जो अनशन है वो यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। आज छठे चिकित्सक की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया और डॉक्टर सुनील शर्मा की तबीयत आज अनशन के दौरान खराब हो गई, जिसके बाद में चिकित्सकों ने उन्हें SMS अस्पताल में भर्ती कराया। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर इनका प्रदर्शन चल रहा है और अनशन लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है और पशु निदेशालय के बाहर जो है 11 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पर उनका जो मांगे हैं वो ग्रेड पे स्वीकृत किए करने और जिस तरीके से एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्वीकृत करने और तमाम जो मांगों को लेकर इनका जो अनशन है वो लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात ये है कि अभी तक बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहा है। 10 दिन से पहले भी इनका जो हड़ताल थी वो जारी थी, लेकिन 10 दिन से इनका अनशन है डॉक्टर्स का वो देखने को मिल रहा है और आज छठे जो डॉक्टर हैं उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद में उन्हें SMS अस्पताल में भर्ती कराया और अब देखना होगा कि क्या छठे डॉक्टर्स की तबीयत बिगड़ने के बाद में क्या जो पशुपालन डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं क्या वो पूरी तरीके से संज्ञान में लेंगे पूरे मामले को और क्या जो बीच का रास्ता है वो निकल पाएगा, क्योंकि कई ऐसी मांगे हैं जो उच्च स्तर पर है, जो मंत्री स्तर पर भी नहीं है, काफी उच्च स्तर पर है। तो इससे लिए लगातार जो पशु चिकित्सकों का जो आंदोलन है वो टूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे लगातार जो पशु चिकित्सक है वो अब कहीं ना कहीं जो तबीयत खराब हो रही है अनशन कर्मियों की, अब देखना होगा कि आखिरकार बीच का रास्ता कब और कैसे निकल पाता है और कब पशु चिकित्सकों की जो हड़ताल है अनशन है वो खत्म हो पाता है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए।